नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब नॉर्थ कोरिया के बारे में। ये देखिए नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, उनको तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। यहाँ पे क्या न्यूज आ रही है, नॉर्थ कोरिया ड्रॉप स्ट्रेच बलून्स ऑन द साउथ कोरिया। अब कुछ मारपीट नहीं कर रहे तो भैया 260+ से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े बलून्स बोलते ना भर भर के नॉर्थ कोरिया में कहाँ भेज दिए, साउथ कोरिया में। तो उसके अंदर सर क्या था, कचरा वचरा था, इंसान का मल मूत्र, मतलब दम टॉयलेट पेपर ये सब भर भर के एकदम गंदी गंदी चीजें। अब उनके यहाँ का डस्टबिन नहीं है, लेकिन जानते ही नॉर्थ कोरिया ने बोला चलो बलून में बेच करके भर के बेच देते हैं। अब इधर साउथ कोरिया में आए, इधर हड़कंप मचा हुआ है। और भाई साहब ये कोई नई बात नहीं है, ये 1950 से ही चल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि साउथ कोरिया ने क्या किया था, बलून में भर करके नॉर्थ कोरिया की तरफ पहले क्या कुछ खाने का सामान, टीवी कैसेट, सब चीजें, मतलब उपयोगी चीजें भेज दिया था। नॉर्थ कोरिया को गुस्सा आ गया, अच्छा हमारे लोगों की मदद करो, भड़का रहे, रुको तुम अच्छा भेजो, हम तुम्हारे पास पॉटी भेजेंगे। और ये चल रहा है, आप देख सकते हो ट्रैश, टॉयलेट पेपर, एनिमल वेस्टेज, ये सब जानवरों के बोलते हैं ना मल मूत्र, ये सब भर भर करके भेज रहे हैं यहाँ पे। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सर ये कौन है, किम जोंग उन, डिक्टेटर है कहाँ के, नॉर्थ कोरिया के। इनके बाल को जरा देखिए, इतने अच्छे डिजाइन से है कि इसके ऊपर ग्लास, लोटा, जो मन करे रख दो, गिरेगा नहीं, भयंकर है। और जैसा ये बाल कटिंग करवाएंगे दूसरा कोई कट मत करवाना है, सीधा गोली मिलेगी। मजा नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई साहब, यहाँ का तो अलग ही है कहानी। इनके दादा परदादा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन लोगों ने बोला कि हाँ अब इनके आसपास में 10-12 अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां रहेंगी रात दिन ना, तभी इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बनाया गया प्लेजर स्क्वाड, जो अभी बोलते हैं ना ये भी घूमते रहते हैं उसी में। इनके यहाँ पे हेयर से लेकर के प्रार्थना पूजा किसकी करना यही बताएंगे, इनके दादा परदादा की पूजा करो, किसी को पूछने का नहीं। अगर ये बोलेंगे तो हंसने का, ये बोलेंगे तो रोने का। अगर आप खुश हो तो, अगर इनके परिवार में कोई मर गया तो भी रो तुम, और अगर तुम रो रहे हो और ये खुश है तो तुमको रोना नहीं है, इनके साथ में खुश होकर के रोना है। मतलब सोशल मीडिया कोई, सोशल लाइफ कोई बची नहीं, सब पूरा कंट्रोल्ड है। अब ये देखिए प्लेजर स्क्वाड, अरे बाप रे बाप, इतना दुख के साथ में रो रही है देखो, अरे अरे बाप, चलो जूम कर लेते हैं, कितना अच्छा लग रहा है सर। एक मिनट सर, जरा प्लीज, हाँ जरा मैं इनको देखना चाहता हूँ अच्छे से रोते हुए। इनको देखिए क्या दुख है इनको, वाह 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 वाह, अरे बाप रे बाप। ये जरा नीचे आइए सर, अरे नीचे नहीं आ रहे हैं आप, अरे आहा, अरे क्या हो गया। इनको देखिए ये भी एकदम भयंकर रो रही है, ये भी 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 रो रही है, अरे तकले, बड़े खुश है। ये इनका प्लेजर स्क्वाड है, इनको लगता है अरे बाप रे बाप, भगवान आ गए, एकदम पूजा पाठ करो, एकदम 5-5 किलो दौड़ दौड़ के। ये तो भाई साहब किसकी बात कर लिया मैं, नॉर्थ कोरिया की। मतलब इतने अत्याचार होने के बावजूद भी इतनी खुशी दिख रही है इन लोगों के बीच में, ये आ गए हैं बस फोटो खिंचा रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हो। और यहाँ की बात कर लेते हैं भैया साउथ कोरिया के, लिए क्या यून सुक की, और ये क्या अमेरिका को फॉलो करते हैं। यहाँ के हालात बहुत अच्छे खासे, एकदम अच्छा खासा डेवलपमेंट है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो नॉर्थ कोरिया की तुलना में साउथ कोरिया बहुत आगे है। चलिए अब बात कर ले सर, इन दोनों के बीच में फाइटिंग क्यों होती रहती है, क्या रीजन है जो लड़ते रहते हैं। देखिए एक जमाना था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन जापान ने बोलते हैं ना कुछ कांडी काला कांडी कर दिया, जिसकी वजह से यह पूरा प्रॉब्लम अभी इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा हो गया था, चलिए सर मैं आपको समझाता हूँ उस चीज को। चलिए उसके पहले, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1910 में। 1910 में जापान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये जो बोलते हैं ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ना, इसके पहले क्या था, ये कुछ था ही नहीं, सिंपल सा एक क्या था भैया, कोरियन पेंसुला था, कोई दो पार्ट था ही नहीं इसका। तो जापान ने 1910 में बोलते हैं ना कोरियन पेंसुला पे एकदम हमला कर दिया और इसको जीत लिया, और जीतने के बाद यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके लेके गए, औरतों के साथ में उनके रेप किया गया, उनकी औरतों को सेक्स स्लेव्स की तरह उठा करके लेके गए, मतलब पूरा इन लोग को बर्बाद कर दिया। फिर हालात बदले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब 1945 में जापान जब हार गया, जब अमेरिका बम लेकर के खड़ा था, दो बम मार चुका था हिरोशिमा और नागासाकी पे, परमाणु बम दो फेंक चुका था, इनकी हालत एकदम एकदम खराब हो गई थी। अमेरिका ने बोला तीसरा फेंकू क्या, तीसरा फेंकू क्या, फिर सरेंडर कर रहा है, इन्होंने बोला नहीं मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद में फिर रसिया ने और अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब इसका क्या करना है, ये जो कोरियन पेंसुला है जो जापान ने कब्जा किया है, तो इन दोनों ने डिसाइड किया आधा आधा बांट लेते हैं। तो इस तरह से बांटा गया कि ऊपर वाला रसिया के कंट्रोल में आ गया और नीचे वाला किसके कंट्रोल में आ गया, यूएसए के। तो रसिया ने अपना एक आदमी यहाँ पे बैठा दिया, अमेरिका ने एक अपना आदमी यहाँ बैठा दिया, एकदम खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम हो गया बीच में कि अमेरिका और रसिया के बीच में बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो गया। फिर इन दोनों के बीच में जब कोल्ड वॉर चला, तो जब बॉस लोग लड़ने लगे तो ये चेला चपाड़ा भी लड़ने लगे। तो आज बॉस लोग अगर युद्ध चालू है, इनका भी चालू है, और इनका दोनों जन का हमेशा चलते रहता है, दे इतना तन।
अब उसी वजह से भाई साहब ना ये दोनों जन भाई साहब ना दोनों लड़ते रहते हैं, आमने सामने इनकी आर्मी खड़ी रहती है, कब चाहे तो कब बोलते हैं दूसरे को मारते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारे वेपन है, परमाणु बहुत सारे हथियार है। अब ये साउथ कोरिया डरते रहता है, कभी गलती से दो चार छोड़ दिया मैं पूरा स्वाहा हो जाऊंगा। तो यही एक रीजन है बोलते हैं ना, जिसकी वजह से बोलते हैं ना, ये जापान की गलती की वजह से बोलते हैं ना, आज ये लोग ये सब झेल रहे हैं। अगर जापान ने 1910 में पूरा हमला करके पूरा कब्जा नहीं किया होता तो उसके दो टुकड़े नहीं होते, अच्छा खासा ये भी लोग भी जी रहे थे, नॉर्थ साउथ होता ही नहीं है। आई होप सो ये पूरा मैटर आप समझ चुके होंगे। अगर